क्या घर पे पड़ा रहता है, बोर नहीं होता क्या? बोर तो हो रहा हूँ यार। तू कहीं चले जाना, ब्लॉग ही बना ले। पर कहाँ जाऊँ? अबे कबन पार्क चले जाओ, वहाँ पे तो 6000 से ज़्यादा पेड़ हैं, नेचुरल साइट सीइंग कर लियो और सिनेमेटिक शो तुम्हें पर इतने प्यारे आते हैं ना, वहाँ चले जाओ। वहाँ तो मैं कभी ब्लॉग भी नहीं बनाया, तू चलेगा? यार मेरा मुश्किल है, मैं थोड़ा बिजी हूँ। और हाँ, बट मैं तेरा होगे निकल वाला ब्लॉग जरूर देख लूँगा, वो ट्रेंडिंग हुआ है। नमस्कार जी, मैं पार्क ट्रेवलर निकल गया हूँ एक और रॉक की तलाश में। दिन की गर्मी में मैं पार्क पहुँचा और वहाँ पे पेड़ों के पीछे रोमांटिक सीन्स देख के मुझे पता चला कि सुबह व्लॉग बनाना ज़्यादा सही होता है। पर मैंने अपनी हिम्मत को बनाए रखा और खूब सारे सिनेमेटिक शॉट्स लिए। वीडियो के स्टार्टिंग से एंड तक देखना और टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो। कबन पार्क को मूल रूप से 1870 में बनवाया गया था। यह बेंगलुरु का एक प्रमुख लैंडमार्क होने के साथ साथ शहर के प्रशासनिक क्षेत्रों में भी आता है। एमजी रोड और कस्तूरबा रोड से यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। पहले यह सिर्फ 100 एकड़ में फैला था, हालांकि बाद में इसे करीब 300 एकड़ में फैलाया गया। यहाँ वनस्पति और जीव जंतु का बेहतरीन संकलन देखने को मिलता है। पहले इसे मेड़े पार्क के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में बदलकर चर्म राजेंद्र पार्क रखा गया। पार्क में घने बांस के पेड़ और दूसरे खूबसूरत पौधों के बीच एक बड़ा सा दायरा है, जिसे कर्नाटका सरकार ने बागवानी विभाग को नियंत्रण के लिए दिया गया है। इस पार्क में आप सुबह टहलने वालों, प्रकृतिवादी और शांत वातावरण में प्रकृति का अध्ययन करने वालों को देख सकते हैं। पार्क में 60 प्रकार से ज्यादा विदेशी वनस्पति और लगभग 96 प्रजाति पाई जाती है। यहाँ कुल 6000 पेड़ पौधे हैं।
तो प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, एंड हम मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन।